सर हमारी मांगे मूलभूत मांगे हैं, उसमें बिजली, पानी, रोड, चिकित्सा, शिक्षा, इनको लेकर है। हमारा मालवाड़ से पूरन जाने का रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इसका टेंडर हुए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। दूसरी मांग है हमारी इसको MDR घोषित करने का। तीसरी मांग है अपने PHC मालवाड़ा को CHC में क्रमोन्नत करने का। और चौथी मांग है वो है पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के लिए। बिजली और पानी से तो हम त्रस्त है सब। धरने पे बैठने का मुख्य कारण तो वही है, बिजली और पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। इसलिए ये दोनों तो सबसे पहली मांगे हैं। उसके अलावा भी हमारी ये मांगे, यानी हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम हर तरीके से पीछे रहे, अब हमको मुख्य लाइन में जोड़ा जाए। बिजली पानी की कैसे यहाँ पे सब? बिजली पानी की ये कंडीशन है कि बिजली जाती है तो इन्वर्टर पे पंखा तेज चलता है और बिजली होती है तो पंखा धीरे चलता है। वोल्टेज की इतनी बड़ी समस्या है। उसके अलावा 24 घंटों में से बिजली बड़ी मुश्किल से 8 या 9 घंटे अच्छी बिजली आ पा रही है। उसके अंदर भी ट्रिपिंग हो रही है कम से कम 50 बार। पानी बिजली नहीं है तो पानी है ही नहीं सब। हमारा कैर से पानी आता है, कैर पे लाइट नहीं हो तो पानी आ ही नहीं पाता गाँव में। और 2 दिन से तो हम टैंकर के थ्रू गाँव वालों को पानी पिला रहे हैं। बैंकिंग की भी आप मांग करें कुछ? बैंकिंग में सर हमारा ATM 2 महीने से बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। उन्होंने उनसे बात हुई मैनेजर साहब से तो उन्होंने हमको बताया कि रोड मालवाड़ा पूरन रोड खराब है, दूध उड़ने के कारण मशीन खराब हो जाती है और उसको रिपेयर करने में 60 से 65 हज़ार का खर्चा आता है। उस कारण जब तक रोड नहीं बनेगा वो इसको रिपेयर नहीं करवाएंगे।